हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है ये आ रही है ब्यूरो की तरफ से। गाइज, यहाँ पर जो आप लोगों की वैकेंसी है, देखिए ये वैकेंसी BIS की तरफ से आ रही है, मतलब ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की तरफ से वैकेंसी है। काफ़ी अच्छी रिक्रूटमेंट है और गाइज यहाँ पर आप लोग फ्रेशर कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया का कैंडिडेट बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अच्छी रिक्रूटमेंट है, तो चलिए मैं आप लोगों को बता देती हूँ। और सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। लगभग आप लोग का सैलरी पैकेज 50,000 प्लस आपकी सैलरी रहेगी। मतलब कितना रहने वाली है, 50,000 मंथली बता रही हूँ गाइज। मंथली आप लोग का 50,000 प्लस ही रहने वाली है, कम ही नहीं रहने वाली। ये मैं आप लोगों को कम ही बता रही हूँ। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, कोई भी आप लोग का एग्ज़ाम नहीं होने वाला, मतलब नो एग्ज़ाम। और आप लोगों की कोई भी फीस भी नहीं ली जाएगी, नो एग्ज़ाम फीस। जब एग्ज़ाम नहीं है तो कोई भी आप लोग की फीस भी नहीं ली जाएगी, नो फीस। ओके, जब आपका एग्ज़ाम होता है तभी आप लोग की एग्ज़ाम फीस ली जाती है। दूसरा, यहाँ पर देखिए फुल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आप लोग को सारी चीज़ें इसके नोटिफिकेशन के माध्यम से बता दूंगी। और अगर आप लोग नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर मैंने इसका जो है PDF सेंड कर दिया, लिंक भी सेंड कर दिया है। वहाँ पर जाकर आप लोग चेकअप कर लीजिए। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दी दी जाएगी, वहाँ से जाकर आप लोग क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। और गाइस, ऐसी ही और भी लेटेस्ट अपडेट में डालती रहती हूँ जो हमारी यूट्यूब से छूट जाती है, जिससे कि आप लोगों को कोई भी अपडेट छूटे ना। तो देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर जो हमारी वैकेंसी है ये हमने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया गया है और यहाँ इसका जो है न्यू दिल्ली यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए मैं सारी चीज़ें आप लोग को बता देती हूँ। सबसे पहले देखिए, यहाँ पोस्ट का नेम दिया गया, पोजिशन जो आप लोग की पोजिशन रहने वाली है, और ग्रेजुएट इंजीनियर यहाँ पर एलिजिबल है। और गाइस, सबसे मेन चीज़ ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रहने वाली है, ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है। तो ये ना सोचें कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं है। आप लोगों का जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो देखिए, ये डिपेंड करता है उस मतलब इस कंपनी के ऊपर कि ये आगे आप लोग का एक्सटेंड करना चाहती है या नहीं करना चाहती है। तो गाइस, मैंने तो ज़्यादातर यही देखा है कि ज़्यादातर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो आगे के लिए बढ़ जाते हैं, जो न्यू प्रोजेक्ट आ जाते हैं उस पर बढ़ जाते हैं। तो आप लोग इसके लिए जो है ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोग को एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नंबर ऑफ पोजीशन 100 पोजीशन दी गई है, 100 वैकेंसीज हैं। सिलेक्शन मेथड की बात करें तो आप लोग का ओनली इंटरव्यू बेस्ड यहाँ पर सिलेक्शन होगा, कोई भी एग्ज़ाम या फिर एग्ज़ाम फीस नहीं ली जाएगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर मास्टर डिग्री है गाइस आप लोगों की, या फिर BE और BTEC कर रखा है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो कई सारी ब्रांच दी गई हैं, जैसे यहाँ आप लोगों की जो ब्रांच है इलेक्ट्रिकल है, फूड है और मैकेनिकल है, तो ये सभी आप लोगों की दी गई है ब्रांच। या फिर 2 ईयर का यहाँ पर PG डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, PG डिप्लोमा मैनेजमेंट में। और आप लोग या फिर यहाँ पर MSc वगैरह, MEd वगैरह, तो ये वाले आप स्टूडेंट भी अप्लाई कर सकते हैं। एज लिमिट जो आप लोगों की रखी गई है, ये देखिए आप लोगों का एज लिमिट देखिए 35 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यह आप लोगों की मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। जॉब डिस्क्रिप्शन आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं, मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगी टेलीग्राम पर, वहां से जाकर चेकआउट कर लीजिए। जो आप लोग का जॉब लोकेशन रहेगा, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग के लिए जॉब लोकेशन है और एनी वेयर इंडिया में रह सकता है। ये डिपेंड करता है आप लोग का प्रोजेक्ट कहाँ पर चल रहा है, उसके अकॉर्डिंगली आप लोगों की जॉब लोकेशन रखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें गाइस, सिलेक्शन प्रोसेस आप लोग को शॉर्टलिस्टेड मतलब मेरिट के आधार पर शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा। आप लोग के जो मार्क्स वगैरह है उसके आधार पर कोई भी एग्जाम वगैरह नहीं होने वाला है। साथ में देखिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। पीरियड कितने साल के लिए, 2 साल के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट रखा जा रहा है। और देखिए ये टोटली कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, ये देखिए यहाँ पर दिया गया है। जो आप लोग का कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा उसके बाद में हो सकता है आप लोग को मतलब यहाँ सर्टिफिकेट भी दे दिया जाए, और हो सकता है आप लोगों का आगे के लिए भी एक्सटेंड कर दिया जाए। तो यहाँ बट आप लोगों की यही मान के चलिए कि ये 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सैलरी पैकेज जो है 50,000 रहने वाला है स्टार्टिंग सैलरी पैकेज। ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और आप लोग को लीव वगैरह भी यहाँ पर दे रखी है। वर्क आवर कितना दिया गया, 9 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक आप लोग का वर्क टाइम है। इस वर्क टाइम में आप लोगों को वहाँ आप लोग प्रेजेंट रहना होगा। और देखिए या जो है दूसरा, नो अदर असाइनमेंट, इस टाइम पर आप लोग कोई भी अदर असाइनमेंट नहीं मतलब साइन वगैरह कर सकते। फुल टाइम ये जॉब है, फुल टाइम बेस्ड ग्रेजुएट इंजीनियर
के लिए ये वैकेंसी निकाली गई है। दूसरा देखिए ट्रैवल, मेडिकल और क्लियरेंस, ये सभी इंश्योरेंस आप लोग को साथ में, डेथ, इंजरी, इलनेस, कोई भी आप लोगों की इस तरीके की प्रॉब्लम होती है इसका इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा करा दिया जाएगा। तो कोई भी आपको दिक्कत होगी तो ये इंश्योरेंस कंपनी जो होती है वही आप लोगों के ऊपर पैसे खर्च करती है, ये बात तो आप लोग जानते हैं। ये कंपनी कराएगी इंश्योरेंस, ना कि आप लोग को खुद कराना होगा। मेडिकल, फिटनेस एंड ये देखिए पुलिस वेरिफिकेशन, ये आप लोगों का खुद कंपनी कराएगी। जब आपका सिलेक्शन होगा तो मेडिकल फिटनेस कराया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों के अंदर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह हो, कोई भी जो है डिजीज वगैरह हो, या फिर आप लोगों के ऊपर कोई पुलिस वगैरह का केस चल रहा हो, तो ये सभी आपकी देखी जाती है। और दूसरा देखिए यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट आप लोग का टर्मिनेट कर दिया जाएगा, मतलब जो है बढ़ा दिया जाएगा, वो तो बात की बात है, लेकिन मेन चीज़ बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो गाइस इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन के थ्रू आप लोग अप्लाई करना है, इस लिंक से जाकर अप्लाई करना है। अप्लाई लिंक मैं आप लोगों को दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर अप्लाई कर देना। अप्लाई फीस कोई भी नहीं है, तो कोई भी फीस नहीं है, तो आप लोग सभी अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर और भी मेन चीज़ बता देती हूँ, मेन अपडेट। देखिए यहाँ पर काफ़ी सारी आप लोग की रिक्वायरमेंट दी गई है, बट अलग अलग रीज़न के हिसाब से दी गई है। जैसे वेस्टर्न रीजन के लिए ये वैकेंसी दी गई है इन लोकेशन पर, साथ में टोटल वैकेंसी बताया गया है ब्रांच वाइज यहाँ पर अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर ईस्टर्न रीजन के लिए ये वैकेंसी है, ये साउथ रीजन के लिए वैकेंसी है, और टोटल वैकेंसी भी आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। ये सेंट्रल रीजन के लिए है, यहाँ पर नॉर्थ रीजन के लिए जो टोटल वैकेंसी है 100 टोटल वैकेंसी निकाली गई है सभी रीजन को मिला के। और अब गाइज यहाँ आप लोगों की ब्रांच दी गई है, कौन कौन सी ब्रांच है तो देख सकते हैं। जैसे FCT मतलब फूड टेक्नोलॉजी वाली जो ब्रांच है, अब इनसे रिलेवेंट काफ़ी सारी ब्रांच होती हैं। तो गाइज काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम फूड से नहीं है, एग्रीकल्चर से हैं, बायोटेक्नोलॉजी से तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, इन्वायरमेंट वगैरह, केमिकल, केमिस्ट्री, तो ये सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। ओके ये जो है आप लोगों की इनसे रिलेवेंट ही होती हैं ये वाली ब्रांच है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर देखिए ये दिया गया इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेवेंट जितनी भी ब्रांच है, जैसे इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, टेलीकम्युनिकेशन, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन, या फिर फिजिक्स वाले, ठीक है। अब यहाँ पर है सिविल इंजीनियरिंग वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर मैकेनिकल वाले। ये सिविल वाले आर्किटेक्चर, प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट, मैकेनिक, मतलब ये वाली जो पोस्ट है ना, ये वाली ब्रांच है, इसके लिए ये सभी ब्रांच वाले स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ओके तो आप लोगों की यहाँ पर ये रखी गई है। अब मैं नेक्स्ट यहाँ पर जो मेन बात करूँ गाइस, तो आप लोग अगर इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो आप लोगों को सिंपली क्या करना है, आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर नोटिफिकेशन वाले पे जो है क्लिक करेंगे तो आपको ये नोटिफिकेशन की लिंक मिल जाएगी। और काफ़ी स्टूडेंट बोलते हैं कि नोटिफिकेशन जो है डाउनलोड नहीं होता, तो मैं उनको ये बात बता दूं, आप लोग जब उसे डेस्कटॉप मोड पे करेंगे तो नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। क्योंकि काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि हमारा नोटिफिकेशन इस तरीके का होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप मोड पे करने पे ओपन होगा। और इस फॉर्म को आप लोग फ़ोन से भी भर सकते हैं, लैपटॉप से भी भर सकते हैं, और आप लोग की फ़ीस वगैरह कुछ भी नहीं जाएगी, तो आप जैसे चाहे वैसे भर सकते हैं। अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर क्लिक कीजिए और अप्लाई कर दीजिए। कोई भी दिक्कत आती है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेना। बाकी यहां पर देखिए ईमेल आईडी भी दी गई है, कोई भी क्वेरी आती है टेक्निकल से रिलेवेंट कोई भी आप लोग की, तो इस ईमेल आईडी पर ईमेल कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और अगर आप लोगों ने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर सकते हैं।